आज का शुभ संदेश वरिष्ठ नागरिक अनुभव का खजाना। वरिष्ठ नागरिक किसे कहा जाता है? आज की परिभाषा में वरिष्ठ नागरिक 60 प्लस उम्र वाले को कहा जाता है, और कोई भी व्यक्ति जब 60 प्लस की उम्र ग्रहण कर लेता है तब उसका काफ़ी अनुभव बढ़ जाता है। और वैसे भी जो सरकारी नौकरी होती है उसमें 60 ईयर्स के बाद में व्यक्ति को रिटायर कर दिया जाता है। रिटायर का मतलब सेवा मुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि ये इस बात का परिचायक है कि 60 वर्ष की उम्र काम करने के लिए एक एफिशिएंट एज होती है। उसके बाद में बॉडी में रासायनिक परिवर्तन होने से बॉडी की एफिशिएंसी कम हो जाती है, कमज़ोरी भी आ जाती है। तो इस तरीके से जो 60 प्लस वाले वरिष्ठ नागरिक होते हैं तो 60 की उम्र पहुंचते लगभग उनके पास में 40 से अधिक जो है साल की उम्र का जो है अनुभव एकत्रित हो जाता है, और ये अनुभव काम करने से आता है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। व्यक्ति जो है प्रैक्टिस करते करते अनुभव को प्राप्त करता है, और वह अनुभव है हमारे इस दिमाग के अंदर, हमारे अवचेतन मन के अंदर स्टोर होता रहता है और वह कहीं जाता नहीं है। उस अनुभव का उपयोग आने वाली पीढ़ी के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास में अनुभव है तो वो बहुत बड़ा खजाना है। हम किसी भी कार्य को अनुभव के आधार पे बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को किसी कार्य का अनुभव नहीं है तो उस कार्य को किस तरीके से प्रगति पर ले जाएगा? हर काम को करने के लिए पहले अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। अतः वरिष्ठ नागरिक अनुभव के खजाने होते हैं।